हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के साथ उनकी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो प्लस उनकी जो पीडीएफ फाइल होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप भी ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और प्लस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने कई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं नवंबर 2022 में कौन-कौन सी वैकेंसी आने वाली है और कितनी वैकेंसीज के एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे नवंबर 2022 से, उसके बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे मैं टोटल मिला के 7 से भी ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, फीस, उसके बाद एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में बात करूँगा। प्लस बच्चों, यहाँ पे मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, कैसे आप उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे, उन सब के बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली वैकेंसी की बात करें तो ये है ITBP कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है टेली कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर 293 पोस्ट होने वाली है टोटल। एप्लीकेशन आपकी 1 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर की रखी गई है। एज लिमिट 18 से 25 साल की रखी गई है बच्चों। और फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़, बाकी अदर कास्ट के लिए और फीमेल्स के लिए यहाँ पे 0 रुपीज़ फीस रखी हुई है। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के अंदर बच्चों आपसे यहाँ पे 12th मांगा गया, यानी कि इंटर आपने किया हो, वो भी PCM के साथ, जिसमें एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों, क्लास 10th के साथ आपने ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, इसमें से किसी एक के अंदर, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। प्लस बच्चों, इसके अलावा आपने या तो क्लास 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, इसमें से किसी भी ट्रेड के अंदर हो, तो आप हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करें कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पे केवल हाई स्कूल मांगा गया है, तो अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसी की तरफ चलते हैं बच्चों, तो यह है IBPS SO की वैकेंसी है, जिसके अंदर 710 पोस्ट निकाली गई है। इसके फॉर्म भी बच्चों यहाँ पे 1 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 नवंबर की रखी गई है। इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका 24 से 31 दिसंबर के बीच होगा, और जो मेंस एग्ज़ाम है इसका आपका 29 जैन 2023 के दौरान पे करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों, इसकी तैयारी के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए इसके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे 20 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है। फीस जनरल OBC के लिए 850 रुपये, वहीं SC ST और PH वालों के लिए यहाँ पे 175 की फीस रखी गई है। बात करें इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो यहाँ पे IT ऑफिसर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है विथ बी लेवल सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अंदर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक ट्रेड के अंदर। इसके अलावा बच्चों, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ITCS इन सब के अंदर, या फिर जो ट्रेड दिख रही है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO के लिए, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है इंजीनियरिंग की विद एग्रीकल्चर और या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के दौरान आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्व अधिकारी की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी के अंदर, ठीक है, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी हिंदी होनी चाहिए और जो आपने डिग्री लेवल हो वो इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें आपका रहना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन संस्कृत के अंदर विद हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल के अंदर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में, 3 से या 5 साल के अंदर आपका लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर इनरोल विद बार काउंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें HR और पर्सनल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ, इसके अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने PG डिप्लोमा कर रखा हो। नेक्स्ट बात करें मार्केटिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पे भी
मास्टर डिग्री मांगी गई है, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा कर रखा हो मार्केटिंग के अंदर, या फिर इसके अलावा आपने इनमें से कोई भी एक कोर्स कर रखा हो। नेक्स्ट बात करें थर्ड नंबर की बच्चों, तो ये यूपी मेट्रो के अंदर निकाली गई है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी होने वाली है ये। और इसके लिए आपके देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 142 पोस्ट रखी गई है। ये असिस्टेंट मैनेजर जेई और अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। इसके भी ऑनलाइन फॉर्म बच्चों 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे 30 नवंबर की रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल की एज लिमिट है। वही बात करें फीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 590 रुपीज़ फीस है, एससी एसटी वालों के लिए 236 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। बात करें इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आपने बीई कर रखा हो, या फिर आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बच्चों जो एससी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 50% मार्क्स मांगे गए हैं। नेक्स्ट देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसके अंदर भी बी बी टेक की डिग्री हो इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, सेम वही परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे भी हैं। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी के अंदर, तो यहाँ पे भी बी बी टेक डिग्री होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, सेम परसेंटेज वही रहेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट के लिए यहाँ पे आपका सीए पास होना चाहिए बच्चों, तो ही आप इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें जेई सिविल के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। फिर बात करें जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट आपका जेई एसएनटी के अंदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें अकाउंट असिस्टेंट के अंदर, तो यहाँ पे बच्चों बैचलर डिग्री मांगी गई है इन कॉमर्स विद सेम परसेंटेज। लास्ट बात करें ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए, तो यहाँ पे बच्चों किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपने बैचलर डिग्री है वो भी 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हर एक वैकेंसी के ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको हर एक वैकेंसी की प्रॉपर डिटेल भी मिल जाएगी। वहीं पे आपको इसके सिलेबस की लिंक भी मिल जाएगा बच्चों उसी वो लिंक के अंदर, और वहीं पे भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इन सभी पोस्ट के लिए सभी नवंबर में जितनी वैकेंसी निकली है एक लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके इनके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, इनके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे ही आएंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये निकाली गई है राजस्थान CHO की वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी, जिसके अंदर 35-31 पोस्ट निकाली गई है बच्चों। इसके जो एप्लीकेशन है वो आपकी 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 7 दिसंबर की रखी गई है। नेक्स्ट बात करें एज लिमिट की, तो 21 से 40 साल एज लिमिट है। फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 450 रुपये और वहीं SC ST वालों के लिए 250 रुपये फीस है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं CHO नॉन TSP एरिया के लिए यहाँ पे 3071 पोस्ट निकाली गई हैं, वहीं TSP एरिया के लिए यहाँ पे 407 पोस्ट निकाली गई हैं। दोनों के अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी वो सेम रहेगी, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग, और GNM और BAMS डिग्री, ठीक, ये दोनों के अंदर मांगी गई है। तो डिग्री का मतलब एलिजिबिलिटी सेम है लेकिन एरिया के हिसाब से पोस्ट अलग अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की वैकेंसी, ठीक है, ये अभी आपकी 2022 में निकाली गई थी जैसा कि आप लोगों को पता ही है। इसके 2023 में भी ये हर साल आएगी, आपकी दो बार वैकेंसी आएगी, ये लोग आप ये बात आप लोग जानते ही होंगे बच्चों। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर थे आप कह सकते हैं वो एयरफोर्स के जो क्वेश्चन मॉडल पेपर्स थे वो, और जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स थे वो हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके बच्चों अपनी वेबसाइट पर। तो वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है बच्चों, आप यहाँ से कंप्लीट पेपर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे मॉडल पेपर सारे प्रैक्टिस पेपर सब कुछ हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, प्लस इसका कंप्लीट सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, आप सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी एप्लीकेशन कब से बिगिन होगी, तो ये 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 23 नवंबर की रखी गई है। एज लिमिट आप जानते ही हैं बच्चों,
फीस यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखी गई है। वहीं बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको इंटर मांगा गया है, वो भी मैथ फिजिक्स इंग्लिश, इसके साथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर डिग्री की बात करें कौन सी स्ट्रीम के अंदर, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इन आईटी, इसमें से किसी के अंदर भी आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। वो भी मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे 50 मांगा गया है, और इंग्लिश के अंदर भी 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। थर्ड नंबर बात करें तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा हो विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकोगनाइज बोर्ड विथ 50% मार्क्स, और यहाँ पे भी इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। ये है बच्चों फॉर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अदर सब्जेक्ट वालों के लिए क्या है फिर। तो अदर सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ पे इंटर मांगा गया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स इन इंग्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा हो आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 6 नंबर बात करें तो ये आईबी की वैकेंसी निकाली गई है, आईबी एमटीएस और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसके अंदर वैकेंसी की बात करें तो 1671 वैकेंसी निकाली गई है बच्चों। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी 5 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, एंड इसका जो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा। हर 1 नवंबर में जितनी वैकेंसी आ रही हैं, जितनी आ चुकी हैं, जितनी आने वाली हैं, सबके बारे में वहाँ अपडेट होता रहेगा, और हर एक वैकेंसी के नाम के आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। सिलेबस भी प्रोवाइड करा देंगे बच्चों, आप डायरेक्ट सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की भी हम वहाँ पे लिंक दे देंगे, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके। अब बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल एज लिमिट है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, वहीं एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 450 रुपये फीस है। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे इंटर वो सॉरी 10th मांगा गया, यानी कि हाई स्कूल मांगा गया है खाली। तो अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आईटी बीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे 287 वैकेंसी है बच्चों। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 23 नवंबर 2022 से शुरू होगी, डेट काफ़ी आगे है, और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है बच्चों वो 22 दिसंबर को जाके ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो अभी इसके लिए काफ़ी टाइम है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। बाकी मिनिमम एज देखें तो 18 से 23 साल रखी गई है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी फीमेल एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो बच्चों यहाँ पे केवल 10th मांगा गया है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेटेड ट्रेड के अंदर। अब वो कौन सी ट्रेड है, किस में आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों, तो अगर आपके पास 1 साल का आईटीआई कर रखा है 10th के बाद, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। खाली टेंथ किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। या फिर आपने अगर 12th किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करें एक्सपीरियंस किसके अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए टेलर की वैकेंसी है, यहाँ पे पोस्ट नेम गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वॉचमैनर, बार्बर, तो ये सारी पोस्ट है। इन सब ट्रेड्स के अंदर आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी बम्पर वैकेंसी आई है, ठीक है, इसके जो ऑनलाइन है वो बच्चों आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है कि मुझे इसको इंक्लूड करना ही पड़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है, जिसके अंदर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ग्रुप डी, इन सब की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी 30 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 13 नवंबर की रखी गई है, तो का
टाइम अभी खाली 10 दिन से भी कम का समय में चाहे तो आप इसको जरूर देखिएगा। बात करें एज लिमिट की तो 18 से 40 साल की एज लिमिट मांगी गई है। अब बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पे जितने भी स्टेनो के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एससी एसटी छोड़ के बाकी 1000 रुपये फीस है, बाकी एससी एसटी वालों के लिए 800 रुपये फीस है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 650 है और बाकी के लिए 850 है। अदर पोस्ट जो बची उसके लिए एससी एसटी वालों के लिए 600 रुपये फीस है, अदर कास्ट के लिए यहाँ पे 800 रुपये की फीस है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, और बच्चों एक चीज़ बता दूँ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ज़रूर देने वाला हूँ आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। इसके अंदर पोस्ट भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, तो इसके लिए आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ आएंगी हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, बाकी बच्चों इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सैलरी कितनी रहेगी, ये सब डिटेल आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसके अंदर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनो ग्रेड 3 हिंदी के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनो विद 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड के लिए और 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पे CCC आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए। वही बात करें इंग्लिश स्टेनो के लिए तो यहाँ पे भी सेम मांगा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, तो यहाँ पे 12th मांगा गया है, जिसके लिए आपको CCC एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। वहीं पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी की वैकेंसी देखें तो यहाँ पे आपका इंटर मांगा गया है विद CCC के साथ, सर्टिफिकेट होना चाहिए, CCC पास कर रखा हो आपने। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बात करें ड्राइवर की वैकेंसी के लिए तो यहाँ पे हाई स्कूल मांगा गया है खाली, लेकिन इसके बाद इसके साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 साल पुराना होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे क्लास 8th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 साल का ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए, तो यहाँ पे हाई स्कूल खाली मांगा गया, अगर आपने 10th कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें ऑर्डरली प्यून ऑफिस प्यून इन सब के लिए, तो यहाँ पे भी क्लास 8th आपका पास होना चाहिए बच्चों, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं स्वीपर कम फ्रेशर की, तो यहाँ पे क्लास 6 पास आउट आपका होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 3000 से भी ज़्यादा इसके अंदर वैकेंसी है बच्चों। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं, ठीक है। बाकी और जितनी भी वैकेंसी, इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने हमारे पास अवेलेबल हैं हम इसके आपको देने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सबको कैसे ऑनलाइन अप्लाई, कहाँ से करना होगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कब अपलोड होंगे उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर जाके। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस।